सब्सक्राइब कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन मास्टर चैनल को और साथ में दिया गया बेल आइकॉन दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज कैसर एंड आई एम हियर विद एन अदर वीडियो एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन मास्टर। तो दोस्तों आज मैं एक नेक्स्ट जो वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं, वो ये है हाउ टू अप्लाई योर सीएनआईसी कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इन पाकिस्तान। आप अपने कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड को पाकिस्तान में इजीली कैसे अप्लाई कर सकते हैं बगैर खप खपाइया किए हुए। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेप्स प्रोसीजर लगते हैं ये अप्लाई करने के लिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं अपना नेशनल आईडी कार्ड पाकिस्तान में आईडी कार्ड अप्लाई करने के लिए। तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, बिलीव मी आपको बड़ा फायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अगर अपना आपका फर्स्ट टाइम बन रहा है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड तो पाकिस्तान में, तो गाइस आपको एक दफा नादरा में जरूर विजिट करना होगा, क्योंकि वहां पे आपके थंब प्रिंट्स जो होते हैं, आपके फिंगरप्रिंट जो होते हैं वो चाहिए होते हैं नादरा की डेटाबेस में, उनके पास कार्ड चाहिए होता है। तो एक दफा जब आपका फर्स्ट टाइम आना है तो आपको लाजमी विजिट करना होगा। और अगर आपका पहले एक दफा बन चुका है, आप रिन्यू करवाना चाहते हैं, कैंसिल करवाना चाहते हैं, वॉट एवर कोई मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं अपने आई डी कार्ड के अंदर, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो वो मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा ऑनलाइन आपने कैसे करना है। तो वहां से ऑनलाइन आपने साइट को ओपन करना है, वहां साइट को ओपन करने के बाद आपने सारा फॉर्म फिल करना है और जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपने अपलोड करने हैं और फिंगरप्रिंट जो है वो आपने ऐसे अपलोड करने हैं कि एक वाइट कागज के ऊपर आपने अपने थंब सीधे करके लगा के उसकी स्क्रीनशॉट लेके वो आपने अपलोड करने हैं। और वो ऑलरेडी आप, क्योंकि आपका दूसरी दफा रिन्यू हो रहा है, पहले आपके डेटाबेस में नादरा के पास पड़े हुए हैं फिंगरप्रिंट, तो नादरा वाले क्या करेंगे, वो जो आप अपलोड कर रहे हैं फिंगरप्रिंट उसको अपने डेटाबेस के साथ जो आपके ऑलरेडी पड़े हुए हैं उसके साथ मैच करके चेक कर लेंगे। और दोस्तों ऑनलाइन जो है वो आप पेमेंट भी कर सकते हैं, फीस पेमेंट भी कर सकते हैं, उसमें आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज हो सकता है जिसके जरिए आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। और ये वाला जो सेकंड ऑप्शन मैं ऑनलाइन बता रहा हूँ, ये अगर आपने रिन्यू करवाना है अपना आईडी कार्ड या आप दोबारा बनवा रहे हैं या कैंसिल करवा रहे हैं या मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं, गुम हो गया, तो ये उन कंडीशन के लिए है। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आपको जाना पड़ेगा नादरा ऑफिस, अपने नादरा ऑफिस जाना है। तो इसमें कंडीशन आती है, अगर आप नॉर्मल बना रहे हैं, अर्जेंट बना रहे हैं, तो इसकी मुख्तलिफ फीसें हैं, 200 रुपया नॉर्मल का है या 300 रुपया भी है थोड़ा सा अर्जेंट का, और एक कह रहे ऑफिस नादरा ने ज्यादा बनाए हुए हैं मोस्ट अर्जेंट के लिए, फास्ट डिलीवरी के लिए, वहां पे रश नहीं होता, वो पूरा एयर कंडीशन हॉल आपको दिया होता है, उसमें थोड़ी सी ज्यादा फीस होती है, 1500 रुपये तक करंटली उसकी फीस चल रही है। तो आपको करना ये होगा कि अगर आप फ्रेश बना रहे हैं आपको नादरा जाना होगा, सबसे पहले आपने लेके क्या जाना है, जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है वो आपने कौन कौन से लेके जाने हैं, उसमें दोस्तों आता है सबसे पहले आपने अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है। आप दोस्तों मैं आपको बताता रहा हूँ, पदाशी पर्चियां वगैरह नहीं चलती, जो कागज पे मैनुअल बना के लोग पहले यूज करते थे वो नहीं चलती है। आपको लेके जाना होगा अपना कंप्यूटराइज जो नादरा की तरफ से आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिला होगा, बर्थ सर्टिफिकेट जो आपको नादरा ने दिया होगा, प्रोवाइड किया होगा, आपका वो चाहिए और आपको मैट्रिक की अपनी अपनी सनद चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए मैट्रिक का, वो आप लेके जाएंगे। और अगर आपके पास वो नहीं है तो थर्ड आपका डॉक्यूमेंट चाहिए कि किसी आपके रिलेटिव भाई का बाप का आपको आईडी कार्ड ओरिजिनल चाहिए, वो साथ लगेगा। और आपको सिटीजनशिप की एक MOI से जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको चाहिए, वो आपने लेके जाना होगा जो इश्यू करता है MOI। तो ये डॉक्यूमेंट है जो आपको रिक्वायर होंगे। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट नादरा के ऑफिस जाना है और फर्स्ट लाइन में आपने लगना है, वहां से आपको एक टोकन इशू किया जाएगा, उसी टोकन के बेस पे लास्ट तक आपका आईडी कार्ड जो है वो डिलीवर होगा, ट्रैक होगा, आप ले सकेंगे दोस्तों। और वो जो आपको टोकन मिलेगा उसके बाद आपने नेक्स्ट आपका टोकन नंबर जो है वो LED सिस्टम उन्होंने लगाया हुआ है नादरा में दोस्तों, वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये फलां टोकन नंबर इस रो में चल रहा है और मेरा नेक्स्ट जो है वो ही आने वाला है। उसके बाद आपको अगला स्टेप जो है वो फोटो सेक्शन का होता है, वहां पे आपको आपकी वो फोटो लेंगे और नेक्स्ट अगले काउंटर में आपको डिलीवर कर देंगे, वहां भी आपका दोस्तों ऐसे ही LED पे चल रहे होंगे टोकन नंबर और आपने अपने टोकन नंबर से मैच करना है। तो वहां जाके आपका थोड़ा डेटा एंट्री होगी, डेटा एंट्री होने के बाद आपके
फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे और आपसे सिग्नेचर करवाए जाएंगे, वो सिग्नेचर आपके आईडी कार्ड में हमेशा रहेंगे। तो दोस्तों वहां से अगला स्टेप आपको मूव करना है कि आपको फॉर्म निकाल के वो नादरा में जो एजेंट वहां बैठा हुआ है वो जो डाटा एंट्री हुआ है उसका फॉर्म आपको निकाल के दे दिया जाएगा। वो फॉर्म आपने गौर से पढ़ना है कि कोई स्पेलिंग की किसी किस्म की एड्रेस की मिस्टेक मिस टाइप तो नहीं उन्होंने किया। अगर आपकी कोई मिस्टाइप की है तो दोस्तों प्लीज आपने वहीं पे रुक के उनसे वो करेक्शन करवानी है, और वो सारा कुछ करवाने के बाद जब आपको कंफर्म हो जाए कि दैट इज ऑल करेक्ट इन द फॉर्म, तो आपने वो फॉर्म लेना है तो किसी गेस्टेड ऑफिसर जो तकरीबन स्कूलों में SSD टीचर होते हैं और वट एवर जिससे भी आप अपना डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाते हैं अपने घर ले आना है, उससे टेस्ट करवाना। टेस्ट करवाने के बाद दोस्तों आपने वापस नादरा ऑफिस जाना है, वहां जाके आपने सबमिट करवा देना है। जब आप वहां जाके सबमिट करवाएंगे तो देन वो आपके फॉर्म को नेक्स्ट जो पाकिस्तान में प्रोसीजर है वो इस्लामाबाद सबमिट करते हैं आपके फॉर्म के सारे डेटे को, और वहां से आप 10 दिन बाद 15 दिन बाद जिस टाइप की आपने फीस पेड की है वो आपका बन के कार डिलीवर हो जाएगा आपके घर एड्रेस पे भी डिलीवर हो सकता है अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है। अगर आप नादरा में अप्लाई किया हुआ तो आप अपना वो टोकन संभाल के रखें, जितना आपको टाइम ड्यूरेशन देते हैं 10-15 दिन का, उसके बाद जाएं और जाके नादरा से अपना कार्ड जो इशू किया है नादरा ने, आजकल जो स्मार्ट कार्ड आ रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी अब तक के लिए वीडियो, मैं ऐसी वीडियो ट्रिक्स टिप्स और टेक्नोलॉजी भी आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। प्लीज अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है इसको लाइक जरूर कर दें, और अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो ये वाली जो दो ऊपर वीडियो जा रही है प्लीज इनको भी देख लें, और ये वाला जो सर्कल आ रहा है इसको प्लीज क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। नेक्स्ट के लिए अल्लाह हाफिज़।